आरएमसी मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 16 और आज हम देखें एवरेज के ऊपर। देखिए, एवरेज इज नथिंग बट एवरेज को हम मीन भी कहते हैं। एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज नथिंग बट सम ऑफ एन नंबर्स या एन ऑब्जर्वेशन अपॉन एन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन अच्छे आते हैं, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके आपको करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर आप सम निकालेंगे तो इट्स गोइंग टू बी एवरेज ऑफ एन नंबर्स इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम निकालना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एवरेज के क्वेश्चन। कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं सम के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ बच्चों की एज का एवरेज मैं आपको दूँ, एवरेज में तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते छेड़खानी। हाँ, अगर हमें एवरेज को बढ़ाना या घटाना दिया हो तब तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई मेम्बर ऐड हुआ हो, एज ऐड हुई हो, हम सम में ही तो ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बट सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहाँ से हम सम निकालते हैं। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड या इसी दो फॉर्मूलेज पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे आरएमसी में अभी गया है। द एवरेज एज ऑफ 34 स्टूडेंट इन द क्लास इज 13 ईयर्स दिया है। तो आपसे कहा है द एज ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, द एवरेज इंक्रीज बाई 1 ईयर। अगर आप टीचर की एज भी इंक्लूड करोगे तो एवरेज बढ़ जाएगा। मैं एक काम कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, पहले जो चीज़ गिवन है वो देख लेता हूँ। आपको दिया है एवरेज एज ऑफ 34 स्टूडेंट्स इजिकल टू 13। मैंने कहा था ना हमेशा सम निकालो, एवरेज का फॉर्मूला होता है, तो ये जाएगा सम ऑफ एज ऑफ 34 स्टूडेंट ऑन 34 इजिकल टू 13। तो यहाँ से सम आ जाएगा इनका, सम ऑफ एज ऑफ 34 स्टूडेंट इक्वल टू कितना जाएगा 13 इंटू 30, और 34 इंटू 13 कितना होता है, 4 3 12। ठीक है, 442 इज नथिंग बट द सम ऑफ एज ऑफ 34 स्टूडेंट। सबके एज का सम करा, यू हैव गॉट दिस 4। अब वो बोल रहा है कि अगर टीचर की एज को भी हमने इंक्लूड किया, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट द एज ऑफ टीचर बी एक्स। ठीक है, तो अगर हम टीचर की एज को भी इंक्लूड करें तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, देखिए एवरेज ऑफ, अब यहाँ पर क्या होगा, एवरेज ऑफ 34 एंड अ टीचर इज गोइंग टू बी हाउ मच इंक्रीज बाई 1 ईयर। पहले 13 एवरेज था, तो अब हो जाएगा 13 + 1 = 14। जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, एक तो सम ऑफ एज ऑफ, थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ एज ऑफ 34 प्लस टीचर की एज जो कि हमने मानी है एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू रिमेंबर इट, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो चुकी है मेरी, 35 = 14। ठीक, तो यहाँ से गेट सम ऑफ एज ऑफ 34 प्लस एक्स टू 14 × 30। अच्छा, सम ऑफ एज ऑफ 34 स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 442। यहाँ पर लिखते हैं 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 14 × 35 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 14 और 35, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 12, क्या आ गया 490। कैलकुलेशन आ गया 490। और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो इट्स गोइंग टू बी 490 - 442, क्या जाएगा 8 ईयर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, एवरेज का फॉर्मूला यूज किया, सम कैलकुलेट किया, सम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फिर से जो भी उसने काम से छेड़खानी करने के लिए, हाँ, एवरेज हमने टीचर की एज को एक्स ले लिया, फिर उसने जो भी काम से किया, अगर अब आप एवरेज निकालोगे, टीचर को भी इंक्लूड करोगे 34 स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी अगर आप ऐड करोगे तो एवरेज बढ़ जाएगा 1 ईयर से, तो पहले 13 था अब 14 हो जाएगा। फिर से आपने उसको फॉर्मूले को खोला, सम ऑफ एज ऑफ 34 प्लस एज ऑफ टीचर दैट इज एक्स, ठीक है, वही लिया है आपने, अपॉन 35 इज इक्वल टू, यहाँ पर यू पुट द वैल्यूज एंड यहाँ पर आपका एज ऑफ टीचर 48 ईयर्स आ गया। थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एवरेज का, और एवरेज के हर क्वेश्चन आप देखना, टफ से टफ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो यही लॉजिक अप्लाई होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके पास। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में बस आपकी कमांड होनी चाहिए एवरेज के। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ
इसी तरीके की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जो आरएमसी की कॉन्सेप्ट सीरीज है प्ले लिस्ट को भी आप जरूर देखें ताकि बाकी वीडियोस से भी आपके कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।